हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये है सैमसंग M11 जो कि एक बजट डिवाइस है और ये इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ नया है इस डिवाइस में और 10,000 के प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन लेने लायक है या फिर नहीं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस फ़ोन की बॉडी प्लास्टिक की बनी है और दिखने में भी एवरेज लगता है। इसके फ्रंट में पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है और रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसकी थिकनेस 9 mm की है और इसका वेट 197 ग्राम्स का। ओवरऑल इसका लुक और डिज़ाइन अच्छा है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंचेस की HD+TFT पैनल लगा है जो कि IPS LCD के मुकाबले में सस्ता होता है और इसके कलर्स भी थोड़े कम पंची और कम एक्यूरेट होते हैं, लेकिन फिर भी डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे अच्छी है। इसकी रिजोल्यूशन 720 पिक्सल्स की है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 268 PPI की। इसमें 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84% की है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट लगा है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 14 nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 1.8 GHz की है और इसमें एड्रीनो 506 की ग्राफिक्स दी गई है। ये प्रोसेसर काफ़ी डिसेंट काम करता है और जनरल मल्टीटास्किंग में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये चिपसेट गेमिंग के लिए नहीं बना। ये सैमसंग वन UI 2.0 पे रन करेगा जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। ये 3GB 32GB और 4GB 64GB के स्टोरेज वेरिएंट में आएगा और इसकी स्टोरेज को आप डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के जरिए 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसके फ्रंट में 8 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है और रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 13 MP का f1.8 अपर्चर वाला मेन कैमरा है। दूसरा इसमें 5 MP का f2.2 अपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और तीसरा 2 MP का f2.4 अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर लगा है। इसके मेन कैमरे में फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का सपोर्ट दिया गया है और डे लाइट में अच्छी फोटोज क्लिक करता है। हाँ, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा आपको निराश कर सकता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 15 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये फ़ोन को लगभग 2 घंटे में फुल चार्ज कर देता है और एक सिंगल चार्ज में ये आपको कम से कम 1.5 से 2 दिन का बैकअप आराम से दे देगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5 mm हेडफोन जैक और USB Type-C रिवर्सेबल कनेक्टर दिया गया है। हालांकि इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 4.2 दिया गया है क्योंकि इसका चिपसेट लेटेस्ट वर्जन 5.1 को सपोर्ट नहीं करता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फास्ट और एक्यूरेट है। ये 3 कलर ऑप्शंस ब्लैक, ब्लू और वॉयलेट कलर में अवेलेबल होगा और इसकी प्राइसिंग लगभग 10,000 के आसपास में होगी और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक डिसेंट फ़ोन है। हालांकि इसमें और अच्छा प्रोसेसर दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ी बैटरी, एवरेज कैमरा और पंच होल डिस्प्ले के साथ साथ सैमसंग की ब्रांडिंग चाहिए तो ये डिवाइस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।